बड़े मैच होते हैं तो आपका प्रिपरेशन ज़रूर रहता है, और आपने देखा भी होगा जैसे प्रैक्टिस चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जैसा हमारे पास स्किल है, जैसे हमारे पास बॉलिंग लाइनअप है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी बड़े मैच आते हैं थोड़ा फोकस की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा फोकस और अच्छा प्लानिंग डिपेंड करता है। अगर नई बॉल के लिए, अगर मुझे बॉलर आपने देखा ही है किसी भी मतलब किसी भी कंडीशन किसी भी टाइम पे अगर बॉल देते हैं तो मैं ऑन हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत है नहीं नई बॉल फेंकने में या फिर पुरानी फेंकने में, ना मेरा ईगो ऐसा है। तीनों ही अच्छा डाल रहे हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन बॉल तो दो को डालनी है, डिसाइड मैनेजमेंट करेगा। बस एक ही गोल है कि अच्छा जाओ, 100% दो अपना, रिजल्ट आपकी तरफ खुद भागेंगे जब आप अपना 100% देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बस फोकस करें, एग्जीक्यूट करने को देखें। बस यही एक सिंपल सा प्लान है मेरे हिसाब से। हम लोग ज़्यादा उसको बना देते हैं वाइट बॉल रेड बॉल, और जा अगर आपका एरिया अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बॉल में दिक्कत होगी। बहुत लंबे टाइम से जस्सी नहीं था यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर्स की कमी आपको दिखती है। कुछ ना कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये प्लेयर होता ये नहीं होता, तो मतलब आपका कॉम्बिनेशन जो है सेट बैठ जाता है। और जस्सी के होने से मेरे हिसाब से स्पेशली वाइट बॉल में बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो एक ज़रा सी गुंजाइश थी या फिर ज़रा सा जो हमारा जो कहते हैं ना कि एक कहीं पे एक पॉइंट हो सकता है, वो उसके आने से वो और बड़ा मतलब फ्लप हो गया, एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गई है, अच्छा दिख रहा है, खेल के भी अच्छा है, होपफुली एशिया कप भी अच्छा जाए।